हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द जायगोट्स ऑब्लिक ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो इन जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग के कैलकुलेट करने के लिए आज हम कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दोज फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स और द ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो अगर आपको कोई भी पेरेंटल जीनोटाइप दे रखा होगा तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें जो जायगोट्स कितने हैं, या हम कह सकते हैं जो आने वाली जनरेशन में जो प्लांट्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया जाए, या डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया जाए, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस दिया जाए, या हम कैसे पॉली हाइब्रिड जो है क्रॉस दिया जाए, तो आप कैसे उसमें कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स हैं, या जो आने वाली जनरेशन में जो प्लांट्स होंगे उनका नंबर कितना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस जायगोट्स और ऑफस्प्रिंग कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको वो चीज़ें जो है वो रिमेंबर करनी है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रॉस में चाहे मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, आप उसमें जो नंबर ऑफ जायगोट्स है और जो ऑफस्प्रिंग है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको द फर्स्ट थिंग है कि कोई भी क्रॉस हो, ठीक है, अगर सपोज आपको किसी ने दे दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको हेटरोजाइगस कंडीशन को देखना है। ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि कितने जीन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो सपोज आपको ये क्रॉस दे रखा है, एक पेरेंटल जीनोटाइप दे रखा है, इसमें देखिए दिस इज ऑल्सो हेटरोजाइगस, दिस इज ऑल्सो हेटरोजाइगस। तो आपने क्या किया, किसी भी पेरेंटल जीनोटाइप में सबसे पहले आपको हेटरोजाइगस कंडीशन पता करनी है, हेटरोजाइगस कंडीशन। ओके, अब हेटरोजाइगस कंडीशन आपको पता चल गई, तो इसके बाद आपको इसमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो, नंबर ऑफ गैमेट्स। ओके, नंबर ऑफ गैमेट्स, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू की पावर एन। ओके, तो सेकेंड थिंग आपकी ये हो गई। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले किसी पेरेंटल जीनोटाइप में उसका हेटरोजाइगस कंडीशन देखना है कि इस पेरेंटल जीनोटाइप में कितने हेटरोजाइगस पेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद जो थर्ड बन गया, इसके बाद आप जो नंबर ऑफ यूनिक जाइगोट्स और ऑफ स्प्रिंग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा फॉर्मूला है, इट विल बी इक्वल टू गैमेट्स का स्क्वायर। ओके, तो इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखनी है, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स या ऑफ स्प्रिंग है किसी भी जीनोटाइप में या किसी भी क्रॉस में, चाहे मोनोहाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी पेरेंटल जीनोटाइप में पहला हेटरोजाइगस कंडीशन आपको पता करनी है, उसके बाद नंबर ऑफ गैमेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि आप कैसे जो है नंबर ऑफ गैमेट्स हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पेरेंटल जीनोटाइप से। ठीक है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, उसके बाद आप नंबर ऑफ यूनिक डायगोट ऑब्लिक ऑफ स्प्रिंग, इस फॉर्मूले को याद रखना है, इट विल बी इक्वल टू गैमेट्स का स्क्वायर, मतलब जो भी आपने गैमेट्स कैलकुलेट किए हैं उसको डायरेक्टली आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स या जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो प्लांट है आने वाली जनरेशन में कितने होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, किसका लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैलकुलेट करना चाहें, मोनोहाइब्रिड, ओके, या हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड कंडीशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें मोनोहाइब्रिड मतलब इसमें हम लोग क्या लेंगे, सिंगल कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग इसमें लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फॉर्मूला क्या है कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन कितनी है। ठीक है, सपोज हम लोगों ने इसका क्रॉस किया ना कैपिटल टी
और कैपिटल टी, उसका सेल्फिंग कर दिया कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको, इसमें देखना है हेटरोजाइगस कंडीशन कितनी है। तो इसमें हेटरोजाइगस कंडीशन कितनी, यानी कि इसमें ये जो आपका जो जीन पेयर है वो हेटरोजाइगस है कि नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो क्या है ये हेटरोजाइगस कंडीशन हो गई, ठीक है, इट इज हेटरोजाइगस। अगर स्मॉल टी होता, अगर सपोज स्मॉल टी होता तो ये होमोजाइगस हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये हेटरोजाइगस है। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, क्या फाइंड आउट करना है, पहले आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गैमिट्स, ओके, नंबर ऑफ गैमिट्स। तो नंबर ऑफ गैमिट्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n, ओके। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, हेटरोजाइगस कंडीशन, हेटरोजाइगस कंडीशन, या हम कह सकते हैं हेटरोजाइगस पेयर्स, ओके। तो इसमें कितने हेटरोजाइगस पेयर है, कैपिटल स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो ऑब्वियस की बात इसमें 1 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ गैमिट्स कितने आ गए, 2, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले हेटरोजाइगस कंडीशन पता कर ली कि इस जो क्रॉस है पेंटा क्रॉस है या पेंटा जीनोटाइप है उसमें कितने हेटरोजाइगस प्रेजेंट है, साथ ही साथ आपने नंबर ऑफ गैमिट्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि अब कैसे आप जो जायगोट्स है उसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ जायगोट्स को। तो मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया नंबर नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स, या इसे हम ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, बात है कि क्यों जायगोट ही जाके प्लांट बनाएगा, तो या हम इसमें ऑफ स्प्रिंग्स पे बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू गैमिट्स का स्क्वायर, ओके। क्या मैंने बताया था, गैमिट्स का स्क्वायर। इसीलिए आपने क्या किया, सबसे पहले गैमिट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब बस क्या करना आपको, गैमिट्स कितने थे, 2, तो 2 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर, ओके। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स से ऑफ स्प्रिंग कितने आ गए, 4। आप ठीक है, आप इस चीज़ को कंफर्म कैसे करेंगे, अब इसे कंफर्म करना भी जरूरी है ना कि वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और नॉट। तो इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस करेंगे पुनेट स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो इसमें कितने गैमिट आएंगे, 2, नॉर्मल सी बात है। तो ये आपका कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ठीक है। सेम चीज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्रॉस करा देते हैं, तो क्या मिला आपको, देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने प्लांट्स आपको मिले, 1, 2, 3, 4, ओके। तो टोटल आपको कितने प्लांट्स मिले, 4 प्लांट्स मिले। और जब आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है नंबर ऑफ यूनिट जाएगा इसको टू गैमिट्स का स्क्वायर, उससे भी आपको कितने प्लांट्स मिले, 4 प्लांट्स, ये रखिए, ओके। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो फॉर्मूला है इट इज़ रियली वर्किंग, और इट इज़ अ राइट फॉर्मूला, और वी कैन से इट अ करेक्ट फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स और द जायगोट्स, ओके। तो इसे कन्फर्म करने के लिए हम लोग ने क्या किया, पोनेट स्क्वायर की हेल्प से कन्फर्म कर लिया, और क्या देखा कि ये जो फॉर्मूला है इट इज़ करेक्ट, ओके। तो चलिए अब हम दूसरा केस देखते हैं। तो ये केस किसका हो गया, मोनो हाइब्रिड कंडीशन का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड कंडीशन का, ओके। चलिए आप देखते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड कंडीशन। अब डाई हाइब्रिड कंडीशन का मतलब क्या है, इसमें मोर देन वन कैरेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि इसमें 2 कैरेक्टर के बीच क्रॉस होगा, ठीक है। इसलिए इसे डाई हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं, यानी कि वी विल टेक 2 कैरेक्टर्स, ओके। हाउ मेनी कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर वी विल टेक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड कंडीशन, ओके। तो चलिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, जो कि मेंडल ने भी क्रॉस कराया था, ठीक है। तो
अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या देखना पड़ेगा, इस जीन पेयर में या इस पेंटर जीनोटाइप में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन देखना है। ठीक है, तो कैपिटल आई स्मॉल आई ये क्या हो गया, ये हेटरोजाइगस हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हेटरोजाइगस हो गया। ठीक है, क्लियर ना? तो इसमें क्या हो गया, एन स्क्वायर टू टू यानी कि नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन इज इक्वल टू टू। ओके, बस अब आपको क्या करना है, फिर से वही नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू टू की पावर एन। ओके, तो एन बराबर कितना हो गया, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस एलील्स हैं वो कितनी है, टू। वन पेयर नंबर ऑफ जीन पेयर एक ये हो गया, एक ही, यानी कि इसमें जो दो जीन पेयर है दैट आर हेटरोजाइगस। ओके, तो टू की पावर क्या हुई, टू। ठीक है, तो टू इंटू टू। ओके, तो कितना हो गया, अगर इसमें वन टू, टू की पावर टू हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो गए, टू की पावर टू, तो इक्वल टू फोर। अंडरस्टूड ना, क्योंकि इसमें हेटरोजाइगस कंडीशन दो है, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू की पावर एन, तो एन इक्वल टू हम लोग दो टू पुट कर देंगे, तो टू का स्क्वायर कर देंगे तो फोर। ठीक, तो नंबर ऑफ गैमेट्स ही आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग, तो इट विल बी इक्वल टू गैमेट्स का स्क्वायर। ठीक है, गैमेट्स का स्क्वायर। अब गैमेट्स कितने इस डायहाइब्रिड पेयर में है, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट्स हैं, तो इसमें देखिए एक ये दो पेयर हैं, तो टोटल फोर गैमेट्स हैं। तो हमें क्या करना है, बस फोर का स्क्वायर कर देना है, तो फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन। ओके, तो कितने यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग आए इस डायहाइब्रिड कंडीशन में, तो 16। अब चलिए इसे प्रूव भी तो करना जरूरी है, चलिए इसे प्रूव करके देख लेते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपको गैमेट्स तो निकाल ही लेते हैं आप, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कैपिटल निकालना। सबसे पहले कैपिटल आर लिखिए, फिर स्मॉल आर लिख लीजिए। ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो अब गैमेट्स आप इससे निकाल लीजिए कि कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। तो एक तो ये गैमेट्स बना, एक ये गैमेट्स, एक ये गैमेट बना, एक ये गैमेट। तो सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम हेयर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो चार गैमेट्स बने। अब इनका हम लोग पुनेट स्क्वायर कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए ना, कि वेदर दिस फॉर्मला इज राइट और रॉन्ग फॉर डायहाइब्रिड कॉस और फॉर डायहाइब्रिड कंडीशन आल्सो और नॉट। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम कंडीशन इधर भी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए इसे भी कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कि वेदर दिस इज राइट और नॉट। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसे भी। तो पहला क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर भी लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमने इसका पुनेट स्क्वायर बना लिया। तो पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद देखिए आपके नंबर गिन लीजिए कि कितने, वेदर जो प्लांट्स हैं जो आने वाली जनरेशन में प्लांट्स हैं उनका नंबर 16 है कि नहीं। ठीक, यानी जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो कितना है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग कितना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने पुनेट स्केल से भी इसे किया तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग या जो यूनिक जाइगोट्स है वो कितने आए, 16। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज स्टिल करेक्ट फॉर डाइहाइब्रिड कंडीशन आल्सो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, हेटेरोजाइगस कंडीशन फाइंड आउट कर ली पेरेंटल जीनोटाइप से, उसके बाद गैमिट्स आपने निकाल लिए, गैमिट्स निकालने बाद आपने क्या किया यूनिक जाइगोट्स और ऑफस्प्रिंग निकाल लिया इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, उसके बाद आपने कंफर्म करने के लिए पुनेट स्क्वायर बट किया। अब पुनेट स्क्वायर में भी आपने कितने गए जो यूनिक जाइगोट से ऑफस्प्रिंग पाए, 16। तो ये जो फॉर्मूला इट इज स्टिल करेक्ट फॉर डाइहाइब्रिड कंडीशन। ओके, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड कंडीशन का। अब हम एक बार और देख लेते हैं ट्राई हाइब्रिड कंडीशन कि अगर मोल इफ अगर हम लोग थ्री कैरेक्टर लेके उसका क्रॉस कराते हैं या उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या उसमें भी ये जो फॉर्मूला है इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो हम लोग अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे भी कर लेते हैं, कंफर्म सब कुछ करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसे क्रॉस करना। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी क्रॉसेस आते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो या सैर का हो, उसमें भी आते हैं, तो आप उसमें भी इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ और हाई लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एफएमसी हो गया, उनमें क्या होता है जो क्रॉसेस होते हैं वो मोर देन टू कैरेक्टर्स को लेकर भी कराते हैं, जैसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पॉली हाइब्रिड क्रॉस भी आता है। तो उसमें अगर आप उनका एग्ज़ाम दे रहे हैं एम्स का या एफएमसी का या गेट या सीएसआईआर का, तो उसमें जो कंडीशन होती है थोड़ी टफ दे रखते हैं, इसलिए आपको हर टाइप की जो कंडीशन है उसमें ये सब फॉर्मूले यूज़ करना आना चाहिए। और कैसे हम ये जो नंबर ऑफ जाइगोट्स हैं या ऑफ स्प्रिंग है वो कैलकुलेट करेंगे वो सब भी आना चाहिए, ताकि आपने जो टोटल मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकें। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ट्राई हाइब्रिड कंडीशन पे। तो अब क्या देखेंगे हम ट्राई हाइब्रिड कंडीशन, ओके। तो ट्राई हाइब्रिड कंडीशन के लिए अब हम इसमें पेंटा जीनोटाइप ले लेते हैं। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसे क्रॉस कराते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, तो सेल्फ क्रॉस करा देते हैं हम लोग। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, थ्री कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड कंडीशन, मतलब हम लोग इसे क्रॉस जो करा रहे हैं उसमें तीन कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब आपको क्या करना है, फिर से वही बात, सबसे पहले आपको हेटरोजाइगस पता करने की, इसमें कितने हेटरोजाइगस पेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेटरोजाइगस पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर्स कितना हो गया, हेटरोजाइगस पेयर्स इट इज इक्वल टू थ्री। ओके, तो वन टू थ्री, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ गैमिट्स। चलिए नंबर ऑफ गैमिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ गैमिट्स इज इक्वल टू टू की पावर एन। ओके, तो एन इक्वल टू क्या है, थ्री, तो टू की पावर थ्री, तो टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, तो कितना आ गया, एट। ओके, तो नंबर ऑफ गैमिट्स कितने इसमें आ गए, एट आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जाइगोट्स और वी कैन से ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू गैमिट का स्क्वायर, तो एट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एट इंटू एट इट विल बी इक्वल टू 64। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट से आने वाली जनरेशन हो कितने होंगे, 64। ओके, अगर आप हम इसे क्या करते हैं कंफर्म कर लेते हैं पुनेट स्क्वायर से, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग अगर हम लोग जब ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो उससे कितने आए, 64 आए, यानी 64 जाइगोट्स होंगे या 64 जो हैं वो प्लांट्स होंगे। ठीक है, अब इसे कंफर्म कर लेते हैं, तो एक पहले इसमें गैमिट्स बना लेते हैं ताकि आप लोग इसका जो पुनेट स्क्वायर कर सकें। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो आपको इसमें कितने गैमिट्स मिले, एट। ठीक है, एट गैमिट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया,
एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, फिर स्मॉल है कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो 8-8 हम लोगों ने इसके जो गैमेट्स हैं उसे लिख लिया। अब चलिए इसका हम क्रॉस कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट फॉर ट्राई हाइब्रिड कंडीशन आल्सो और नॉट। ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, देन कैपिटल सी, कैपिटल सी। ओके, अब सबका हम लोग कर लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल सी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, देन यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी,
कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी. ओके देन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, देन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन इन दिस कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, देन हेयर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन इन दिस कंडीशन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, देन द लास्ट वन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन दिस कंडीशन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, देन हेयर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एंड हेयर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. ओके तो अब हम लोग ने क्या किया, इसका जो पुनेट स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग ने पुनेट स्क्वायर किया है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, एच ट्राई हाइब्रिड कॉर्स का हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर कैलकुलेट किया है. ठीक है, पुनेट स्क्वायर जब हम लोगों ने किया तो इसमें भी हमें कितने गैमेट्स मिले, 64 गैमेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो इसमें आपको कितने टोटल नंबर ऑफ जायगोट्स मिले, तो इसमें आपको कितने मिले, तो टोटल नंबर ऑफ जायगोट्स और यूनिक प्लांट मिले वो हैं 64. कैसे, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके तो 8 इसमें हैं, 8 8 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट विल बी इक्वल टू 64. ओके तो इन ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में भी क्या हो रहा है, जो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ जायगोट्स ऑब्लिक ऑफ स्प्रिंग का, इट इज आल्सो वर्किंग. तो इन ट्राई हाइब्रिड कंडीशन आल्सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग्स. ओके तो हम लोगों ने इसे कंफर्म करने के लिए पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके थ्रू भी जब हम लोगों ने देखा तो नंबर ऑफ जायगोट्स या जो प्लांट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 64. ओके तो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड कंडीशन के लिए. अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन, हम कह सकते हैं पॉली हाइब्रिड कंडीशन में देखें, तो उसमें जो नंबर ऑफ जायगोट्स या ऑफ स्प्रिंग है वो कितने होंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया ट्राई हाइब्रिड कंडीशन. अब हम देखेंगे पॉली हाइब्रिड कंडीशन. तो चलिए अब देखते हैं पॉली हाइब्रिड कंडीशन.
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फोर्थ हमारी कंडीशन क्या होगी, पॉली हाइब्रिडाइटिज की, अगर हम लोग टेट्रा हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ओके तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर हम लोग कोई भी जीनो टाइप लेते हैं, सपोज आपको दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या सबसे पहले पता करना है, वही बात जो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन इट इज इक्वल टू टू की पावर इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, टोटल फोर, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ गैमिट्स जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, सेम चीज़ें करनी है आपको, नंबर ऑफ गैमिट्स। ओके तो इट विल बी इक्वल टू टू की पावर एन, तो टू की पावर क्या हो गई, फोर, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टोटल कितने हो गए, सिक्सटीन। ठीक है, तो आपके इसमें गैमिट्स कितने प्रेजेंट है, 16। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स, तो नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स या ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू गैमिट्स का स्क्वायर। ओके तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 इंटू 16, इट विल बी इक्वल टू 256। ओके तो इसमें जो नंबर ऑफ यूनिक जायगोट से ऑफ स्प्रिंग होंगे इस टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन में वो कितने होंगे, 256। ओके अब अगर इसका हम लोग पुनेट स्क्वायर करें तो ये पुनेट स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पे अपने जो कॉपी है उसमें आप कर सकते हैं, तो उसमें आप जब आप क्रॉस कराएंगे इस फोर जीन पेयर्स का या इस पेंटर जीनो टाइप का, तो आपको कितने गैमिट्स मिलेंगे, या हम लोग कह सकते हैं कितने यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, 256। ओके तो 256 जो प्लांट होंगे जब आप इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, तो आपको जो टोटल नंबर यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो 256 मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिएगा, आप अपनी कॉपी में इसका क्रॉस करके यानी कि इसका जो पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको 256 जो यूनिक जायगोट्स या जो प्लांट्स हैं वो मिल रहे हैं कमिंग जनरेशन में कि नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये हो गया टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग और भी कंडीशन देखना चाहते हैं जिसमें अगर सपोज इसमें फोर पेयर्स हैं, अगर आप पॉली हाइब्रिड कंडीशन लेना चाहते हैं यानी कि अगर फाइव पेयर का है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सेम टाइप से ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो हो गया फोर डिफरेंट कैरेक्टर्स लेके कैलकुलेट किया हम लोगों ने नंबर ऑफ गैमेट्स से, नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स और ऑफ स्प्रिंग। ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, जो और भी जो कंडीशन जैसे अगर आप लोग ले सकते हैं और भी कोई कंडीशन, जैसे कि अगर सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, अगर यहाँ पे आप ने क्या किया, फाइव कैरेक्टर लिया, सपोज कैपिटल ई कैपिटल ई ले लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन कैलकुलेट करनी, तो इसमें कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, वन टू थ्री फोर, ये तो कैपिटल ई है, ये क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें सेम एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ई। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन जाइगस कंडीशन विल बी इक्वल टू कितनी है, वन टू थ्री फोर, यानी कि फोर, एन इक्वल टू क्या हो गया, फोर। ठीक है, अब दूसरा इसमें नंबर ऑफ गैमिट्स विल बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैमिट्स इट इज इक्वल टू टू की पावर एन, तो एन इक्वल टू क्या है, फोर, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू फोर एट वो सिक्सटीन। ओके अब अगर आपसे कोई पूछे इसी में नंबर यूनिक जायगोट्स कैलकुलेट करिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिक जायगोट्स ऑब्लिक ऑफ स्प्रिंग्स इज इक्वल टू गैमिट्स का स्क्वायर। ओके तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। अंडरस्टूड ना,
तो आपको इसमें कितना मिला, जो नंबर ऑफ यूनिवेजेस, यूनिक जायगोट्स और ऑफस्प्रिंग है, वो भी आपको कितने मिलेंगे, 256 ओनली। तो इसे भी आप अपनी कॉपी ड्रॉ करके देख सकते हैं कि सच में इसमें जो नंबर ऑफ जो यूनिक जायगोट्स या जो आने वाले जनरेशन में जो प्लांट्स है उनका नंबर भी 256 है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ड्रॉ करिए पुनेट स्क्वायर के से और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो फॉर्मूला है वेदर इट इज आल्सो करेक्ट फॉर टाटा हाइब्रिड कंडीशन और नॉट। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है, लेकिन अब आपकी ये एक आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप इसको कैलकुलेट करिए पुनेट स्क्वायर को, अपने पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करिए अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वेदर यू आर आल्सो गेटिंग द 256 प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन और 256 प्लांट इन दिस क्रॉस। ओके, तो ये हो गया हमारा जो ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको सिखाया कि आप कैसे जो हैं यू पीपल कैन सॉल्व द जायगोट्स और वी कैन से द ऑफ स्प्रिंग, ओके, फ्रॉम एनी गिवन कंडीशन, आइदर इट इन मोनो हाइब्रिड कंडीशन और डाई हाइब्रिड कंडीशन, टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन और वी कैन से इन पॉली हाइब्रिड कंडीशन। तो इन एनी कंडीशन इफ यू विल यूज दिस फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, एनी प्रॉब्लम इफ यू सपोज इफ यू आर हैविंग सम अदर जीनोटाइप लाइक ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड लाइक दैट, तो इन दैट कंडीशन आल्सो यू पीपल कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। ओके, या यू पीपल कैन आल्सो सॉल्व द नंबर ऑफ यूनिक जायगोट, ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ गैमेट ईटीसी। ओके, तो अब मेरा ये जो वीडियो है यहाँ पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।